सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारा सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटे यज्ञ समान। संतों की सेवा बड़ी अद्भुत सेवा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो हमारे ब्रज महिमा चैनल के एक भक्त ने बिहार से यह सेवा भेजी है संतों की चरणों में। आज उसी सेवा को लेकर के हम यहाँ आए हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ कंबल हैं और ये चप्पल हैं। ये संत भगवानों के ओढ़ने के लिए कंबल और पैरों में पहनने के लिए चप्पल आज हम लेकर के आए हैं संतों की सेवा में, जो कि बिहार से उन भक्तजनों ने यहाँ भेजी है। तो आइए उस सेवा को लेकर के चलते हैं संत भगवान के चरणों में और आनंद लेते हैं संत सेवा का। और मैं एक बार आपको बता दूं, ये स्थान जो है चिकसोली के पास में स्थित, जिसको कमल कुंड कहा जाता है। यहाँ एक बड़े ही अद्भुत संत रहते हैं, जो गुफा में रह कर के दिन रात राधा रानी का भजन किया करते हैं। आइए सर्वप्रथम हम उन्हीं की सेवा में चलते हैं। और मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा, इस स्थान की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ से भी इस स्थान की वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं संत भगवान के चरणों में। और ये संत भगवान छुप करके एक गुफा के अंदर, इन्होंने गुफा स्वयं बनाई हुई है जमीन के अंदर, उसी गुफा में रह करके यहाँ निरंतर भगवत आराधना किया करते हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये संत भगवान का वही स्थान है जहाँ संत भगवान विराजते हैं। बड़ा ही निर्जन स्थान है और बड़ा ही सुंदर स्थान है। आइए चलते हैं संत भगवान के पास। बाबा राधे राधे। श्री राधे। और यह देखिए कितना अपने आप में अद्भुत स्थान है ये, जहाँ आसानी से नहीं पहुँचा जाता। ऐसे स्थान पर रह करके ये संत भगवान निरंतर यहाँ भगवत आराधना किया करते हैं। ओहो, बाबा ने कुटिया भी बना ली है छोटी सी गुफा के बाहर। पहले जब हमने वीडियो बनाई थी तब बाबा की कुटिया नहीं थी, अब बाबा ने कुटिया भी बना ली है, बहुत सुंदर। आइए चलते हैं बाबा की कुटिया में। ये बाबा की वही गुफा है जो आप दर्शन कर रहे हैं और ये बाबा की कुटिया है। अब हम बाबा की कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा छोटा सा स्थान है ये बाबा की कुटिया और यहीं बाबा भजन करते हैं। बाबा, ये सेवा लेके आया हूँ आपके श्री चरणन में। और आप अभी भी आप देख रहे हैं बाबा अभी भी उघारे हैं, तो बाबा को हम कंबल उड़ा देते हैं। जय हो संत भगवान। बाबा पैर भी निकालो। हाँ पैर। बाबा परमिशन नहीं दे रहे, आज्ञा नहीं दे रहे हैं इस चीज की। चलो मैं पैसे, बाबा साइज देख लेना आपका छोटा बड़ा। चल बाबा कह रहे हैं जो आप ले आए हैं वो सब ठीक है, बहुत सरल स्वभाव के बाबा हैं। बाबा कैसा लग रहे हो आपको? बाबा हिंदी नहीं जानते, बाबा बंगला भाषा में बोलेंगे और शायद हमारे भक्त परिवार में ऐसे भक्त भी रहे होंगे जो बंगला भाषा जानते होंगे। बाबा ये सेवा प्राप्त करके आपको कैसा लगा? खूब भालो, सेवा खूब भालो, खूब सुंदर। हमारे भक्तों को क्या कहना चाहेंगे आप जिन्होंने ये सेवा भेजी है? यही सेवा। जय हो, जय हो। अच्छा प्रभु आज्ञा चाहूंगो। तो अब चलते हैं अगले संत के पास सेवा के लिए। बाबा बहुत खुश हैं, बाबा सेवा प्राप्त करके बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, खूब खूब आशीर्वाद। अब हम पुनः अगले संत के पास चलते हैं। अपने आप में ऐसे स्थान बड़े अद्भुत हैं और इन स्थानों पर रह कर के संत भगवान निरंतर भगवत आराधना किया करते हैं। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, यह सेवा करके जो हमने अपने हृदय में आनंद को प्राप्त किया है,
उसको शब्दों से वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल है। तो आइए चलते हैं अगले संत के पास। अब कमलकुंड से आगे हम चलते हैं श्रीधाम बरसाना, जहाँ हमारे अगले संत विराजते हैं। तो आइए चलते हैं उन संत भगवान के सेवा में। और अब हम पहुँच गए हैं श्रीधाम बरसाना, और श्रीधाम बरसाना में प्रिया कुंड के पावन तट पर ये संत भगवान विराजमान हैं। तो आइए चलते हैं उन संत भगवान के चरणों में सेवा के लिए। कहते हैं संतों की सेवा साक्षात भगवान की सेवा के बराबर होती है। तो आइए आनंद लेते हैं संत सेवा का। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब हम पहुंच गए हैं संत भगवान की कुटिया में। आइए प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं उस दिव्य सेवा का। महाराज जी राधे राधे। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये सेवा आई है आपके लिए, ये ओढ़ के नहीं आप भजन करे करियो। आप ठंडी को समय है तो जितना कम हो उतना संतुष्ट रहे। और ये चप्पल भी है बाबा? हम तो चप्पल नहीं पहनते बाबा, चप्पल के लिए मना कर रहे हैं हम। बाबा के लिए अगली बार वैसी जो सेवा पूजा में काम आने वाली जिनको मोजी कहते हैं कपड़े की होती हैं, वो बाबा को ला के देंगे। ये चप्पल के लिए आप बना कर रहे हैं बाबा के ब्रजरज में हम चप्पल नहीं पहनते। कैसे अद्भुत भाव हैं संतों के। महाराज जी आप सेवा प्राप्त करके आपको कैसा लग रहा है? हमें तो सेवा के लायक नहीं है, ये सेवा राधा रानी के लिए है, स्वीकार करें। हम अभी तो भजन के मार्ग में चल रहे हैं जी महाराज, ये तो भक्त के भाव है। हम राधा रानी प्रार्थना करते सेवा राधा रानी स्वीकार करे और खूब आनंद रखे सबका। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। जय हो महाराज जी राधे राधे। और बाबा कुटिया में से कभी खाली हाथ जाने ही नहीं देते। पिछली बार जब मैं वीडियो बनाई थी बाबा की, तो बाबा जो माधुरी की ले माधुकरी ब्रजवासियों के घर से जो मधुकरी मांग के लाए थे उसी का प्रसाद बाबा ने दिया था। बड़े अद्भुत भाव हैं हमारे संत भगवान के। और आज भी बाबा कह रहे हैं कि प्रसाद लेके जाना। क्या है बाबा? छारे जय हो जय हो। इसी में से ले लेंगे बाबा, इसी में से ले। बस इसी में से ले। थोड़ा सा बस। जय राधे। आज बाबा ने अपने ठाकुर जी को खजूर का भोग लगाया, जो गुड़ में भीगे हुए खजूर होते हैं। गुड़ सर्दियों में गर्मी प्राप्त करने के लिए लिया जाता है। तो उसी सेवा भाव से आज बाबा ने भगवान को इसका खजूर का भोग लगाया है, जो कि प्रसाद स्वरूप हमें आज बाबा से प्राप्त हुआ। और बाबा के ठाकुर जी के भी आपको एक बार दर्शन करा देते हैं। बाबा यहीं रह कर के निरंतर दिन रात भजन कर रहे हैं। धन्य है ऐसे संतों के जीवन को। आइए अब चलते हैं अगले संत की सेवा में। और अब हम पहुंच गए हैं ब्रसवांड कुंड के पावन तट पर, जहां चतुर्भुजी आश्रम विराजमान है। यहीं हमारे तीसरे संत भगवान विराजते हैं। आइए चलते हैं उनकी सेवा के लिए। आइए चलते हैं संत भगवान के पास। बाबा यहीं विराजते हैं, चतुर्भुजी आश्रम है ये श्रीधाम बरसाना में, और बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहीं बाबा रह कर के दिन रात भगवान की आराधना किया करते हैं। बाबा राधे राधे। जय हो मेरे संत भगवान की। बाबा ये सेवा लेके आया हूँ। बढ़िया है। भक्तन ने आपके लिए सेवा भेजी है। ठीक है। सर्दी को समय, सर्दी को। अब कम्बल ओढ़ के भजन करियो। सही। बोलो।
या कम मतलब और ये बाबा चप्पल भी लाया हूँ आपके लिए ले। पहनो बाबा। बाबा कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रही है। जय हो जय हो जय हो। देखो कैसो निर्मल जीवन है संतन को। बाबा एक कैसे प्रसन्न है गए। बाबा हमारे भक्तन को क्या कहना चाहेंगे आप? भक्तन यूँ कहेंगे कि राधा रानी मैया आशीर्वाद दे, खूब फले फूले, खूब ज्ञान ध्यान, खूब ठाकुर जी आनंद रखे, आनंद रखे। अच्छा बाबा राधे राधे। ये जो सेवा के बाद जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद को शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा कैसे प्रसन्न है गए और सबके मंगल कामना का आशीर्वाद बाबा ने हमें दिया। तो चलते हैं अगले संत की सेवा के लिए। और आप भी अगर हमारे माध्यम से संत भगवानों की ऐसी सेवा करना चाहते हैं तो आप नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम चतुर्भुजी मंदिर पर सेवा के बाद चलते हैं अपने अगले संत के पास जो कि सूरोकर सूर्य कुंड पर विराजते हैं और यहीं रह कर के दिन रात भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो आनंद लेते हैं संत भगवान की सेवा का। बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में और इस सेवा का पूरा पुण्य फल प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम पहुंच गए हैं पवित्र सूर्य कुंड पर और ये संत भगवान हमारे यहीं विराजते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं सूर्य कुंड पर। बाबा यहीं रह करके दिन रात तपस्या किया करते हैं। हमें जब हमने पता किया तो अभी पता चला बाबा प्रसादी कर रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करेंगे उसके बाद चलते हैं संत भगवान के दर्शन के लिए। संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा ये सेवा लाया हूँ। सर्दी में कंबल ओढ़ के भजन करे करियो। बाबा पैर लाओ। अरे मैं पैर ला दूंगा। जय हो संत भगवान। बाबा कैसो आनंद प्राप्त कर रहे हैं? बहुत बढ़िया आनंद है आप। ये तो ब्रजवासियों को सौभाग्य है कि जो जो भी दे रहे तो इन लोगों को कन्हैया ही मानते हैं। साधु जरूर है लेकिन ये ब्रजवासी, इनको जन्म यही हुआ है और हमारे यहाँ तक ये कम से कम इतनी सेवा लेकर के आए, हमें अति खुशी है। बाबा ये बिहार से हमारे भक्तों ने सेवा भेजी है तो उनका परिवार बिल्कुल कुशल मंगल रहेगा जो कि आप वहाँ तक भेज तो दिया। मेरे यहाँ जंगल में है, करीब बरसाना से आधा पौन किलोमीटर पड़ता है, लेकिन आप जैसे लोग ब्रजवासी, पक्के ब्रजवासी है जिसको कहते हैं ब्रजवासी, इनमें भाव विचार बिल्कुल पूर्ण तरीके से है। बाबा खूब आनंद में हैं और खूब समस्त भक्तों की मंगल कामना करते हैं, ऐसा हमें उनके वचनों के रूप में जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ वो बड़ा अद्भुत है। तो आज आपने जो संत सेवा के रूप में जिस आनंद को प्राप्त किया वो आनंद आपको कैसा लगा? और निरंतर ऐसे संतों की सेवा हमें करते रहना चाहिए। अगर ठाकुर जी ने हमें इस लायक बनाया है तो क्यों ना इन संत भगवानों के सेवा करके उस पुण्य को अर्जित किया जाए, क्योंकि ये संत भगवान हमारी राधा रानी के बड़े परम प्रिय भक्त हैं और जिनकी थोड़ी सी सेवा करके हम बहुत बड़े पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री धाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।